कंगना रनौत ने हाल ही में किसान आंदोलन पर कई ट्वीट किए थे। अब कंगना के कई ट्वीट्स ट्विटर ने डिलीट कर दिए हैं। ट्विटर ने कहा है कि कंगना के ट्वीट्स उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में रिहाना के किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए जाने के बाद कंगना रनौत लगातार किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ ट्वीट कर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब कंगना रनौत के कुछ ट्वीट्स को ट्विटर ने हटा दिया है। ट्विटर ने कहा है कि कंगना के इन ट्वीट्स में उनके बनाए नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए इन्हें हटा दिया गया है। कंगना के ट्वीट डिलीट किए जाने पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, हमने उन ट्वीट्स पर एक्शन लिया है जो ट्विटर के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। अब कंगना के ये विवादित ट्वीट उनके हैंडल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक कंगना का रोहित शर्मा और अन्य क्रिकेटर्स के बारे में वह विवादित ट्वीट भी था जिसमें उन्होंने क्रिकेटर्स की तुलना धोबी के कुत्ते से की थी। कंगना ने किसान आंदोलन पर इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना द्वारा किए गए ट्वीट पर सवाल उठाया था। रिहाना ने मंगलवार रात किसान आंदोलन की एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। इसके साथ ही उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट हैशटैग भी लिखा। रिहाना के इस ट्वीट का कंगना रनौत ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि वे किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन हमारे संवेदनशील टूटे हुए देश पर कब्जा कर सके और अमेरिका की तरह इसे अपनी कॉलोनी बना सके। चुपचाप बैठो बेवकूफ, हम तुम जैसे नकली लोगों की तरह अपना देश नहीं बिकने देंगे। बता दें कि कंगना की टीम जिस अकाउंट को पहले संभाला करती थी उसी अकाउंट को अगस्त से कंगना खुद संभाल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से अपने विरोधियों पर लगातार तीखे तंज करने के कारण कंगना हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। बीते कुछ दिनों में कंगना लगातार किसान आंदोलन के विरोध में ट्वीट कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।